कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के अलावा जैन, सिख और बौद्ध धर्म में खास महत्व रखता है और इसको लेकर हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कैलाश की चढ़ाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा बेहद खास है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरणों को छूते हैं और प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है, यानी हर कोशिश के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की गई है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरत लीज ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई को असंभव बताया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे ये कारण माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव रहते हैं, साथ ही यहाँ केवल देवताओं और पुण्य आत्मा निवास करती हैं। मान्यता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर जा सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। साथ ही कई लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश की चढ़ाई नहीं कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने में सफल हुए थे। ऐसा करने वाले वह विश्व के एकमात्र व्यक्ति माने गए जो कैलाश पर चढ़ाई करने के बाद जीवित वापस लौट सके। वहीं जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर ही उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर पर ही बुद्ध का निवास स्थान है। इस प्रकार ये अलग अलग मान्यताएं इस बात को दर्शाती हैं कि कई धर्मों का संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। कई लोगों ने कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन सभी अपनी कोशिशों में असफल रहे। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना जाता है। एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण ज्यादा कठिन माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा सक्रिय है, जिस वजह से इसका वातावरण अन्य किसी पर्वत के वातावरण से अलग है और यही इसकी चढ़ाई को मुश्किल बना देता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।